वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखना है। इससे पहले हमने देखा था संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, कौन सी समितियां उसमें शामिल की गई थी, कौन प्रमुख समितियां थी इसके बारे में, और हमें देखना है संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं। पहली विशेषता है कि यह सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। मूल रूप से देखा जाए तो इसमें एक प्रस्तावना, 495 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल हैं, जो कि आज जो है, यानी कि जो मूल रूप से था उस समय की बात है, जबकि आज 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ इसमें शामिल की गई है। विश्व में आपको कहीं भी इतना बड़ा संविधान देखने को नहीं मिलेगा जितना, जैसे कि यूएसए की बात करें तो उसमें मात्र 30 अनुसूचियाँ हैं, वहाँ पर शब्दों की संख्या भी काफ़ी कम है और ये जो संविधान है हमारा काफ़ी बड़ा है। कारण स्पष्ट है। पहला है इसका भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है, वह भारत का भौगोलिक प्रदेश काफ़ी बड़ा है। आप ये देखिए, ये तीन क्षेत्रों से, एक क्या है, समुद्र से घिरा हुआ, उसके अलावा ये जो यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चाइना से, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब, तो यहाँ के जो भौगोलिक प्रदेश है काफ़ी यहाँ पर विविध है। इसके अलावा यहाँ विविधता भी काफ़ी अधिक है। उत्तरी जो भारत है, इसके अलावा दक्षिण भारत, यहाँ पर आपको काफ़ी विविधता, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में भी, तो इस प्रकार के देश को संभालने के लिए एक लिखित और संविधान जो लंबा होना आवश्यक था, क्योंकि सबको अधिकार देने की बात इसमें की गई है। इसके अलावा जो राजनीतिक परिपाटियाँ होती है, यानी कि जो परिचालन होते हैं, उनको भी यहाँ पर बोल कर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि उसे संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया, ताकि कल को कोई भी दिक्कत हो तो संविधान का सहारा लिया जा सके, ना कि उस पार्टी ने या फिर उस नेता ने यह बोला उसके आधार पर। तो इसलिए भारत के जो संविधान है उसे सबसे लंबा करने का प्रयास किया गया और किया भी गया। दूसरा है, हमारा जो संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है, यानी कि इसमें जो उपबंध है उसे विभिन्न स्रोतों से शामिल किया गया है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया था कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया, यानी कि जो विश्व के संविधान है हर देश के, तो वहाँ से जो अच्छे अच्छे विशेषताएँ हैं उसको यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है भारतीय संविधान में। तो चलिए देखते हैं जो भारत का संविधान में उसमें कहाँ से कौन कौन से शब्दों को लिया गया। पहला सबसे है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें जो है पहला संघीय तंत्र, यानी कि हमारा जो संघ है उसको लिया गया। इसके राज्यपाल का जो कार्यालय है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन जो प्रावधान होते हैं, इसके अलावा प्रशासनिक विवरण, इनको लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दूसरा जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के द्वारा लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ संसद है। इसके अलावा विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन होना चाहिए, विधायी प्रक्रिया एक प्रक्रिया नहीं कानूनी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा एकल नागरिकता, जबकि आप अमेरिका में देखें वहाँ दो नागरिकता होती है, एक राज्य का और एक राष्ट्र का। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय प्रणाली, इस प्रकार से आप देख सकते हैं राज्यों में और केंद्र में दोनों जगह मंत्रिमंडल होते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो यह है मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली, कहाँ से लिया गया, यह ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा परमाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, आप द्विसदनवाद मतलब समझ सकते हैं कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा और विधानमंडल होते हैं। बात करें अमेरिका से क्या लिया गया, तो यहाँ से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अभी हमने न्यायपालिका कहाँ से लिया था, आपने देखा 1935 के भारत शासन अधिनियम से, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, या संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाए जाने और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि ये जो महाभियोग है वह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद। चौथा आयरलैंड, आयरलैंड से हमने लिया था ए DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह जो है कहाँ से लिया गया, आयरलैंड, सदस्यों का नामांकन याद रखें, यानी कि मनोनीत जो किया था उसको हमने लिया था आयरलैंड से। इसके अलावा कनाडा से, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि एक मजबूत केंद्र होना चाहिए और सरकार कैसी होनी चाहिए, संघीय होनी चाहिए। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि जो संवर्ती सूची, संघ सूची और राष्ट्र सूची के अलावा जो सूची होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, उसके बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया था।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राज्यों में उसे भी कनाडा के द्वारा लिया गया था। और उच्चतम न्यायालय का ये जो परामर्शी निर्णय है यानी कि 142 आर्टिकल 142 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यह जो प्रावधान है वह कनाडा से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये जो आर्टिकल 19 में दिया गया है। उसके अलावा संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है यानी कि ज्वाइंट जो बैठक होती है वह कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मन जो संविधान है जर्मन का वाइमर संविधान, वहाँ से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन को लिया है। यानी आपातकाल के समय ये जो मूल अधिकार अंत हो जाते हैं उसको हमने कहाँ से लिया था, जर्मनी के वाइमर संविधान से। जबकि सोवियत संघ से हमने लिया था मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की जो भावना है उसे, न्याय यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो दर्शन है उसे हमने सोवियत संघ से यानी कि USSR से लिया था। अभी आप इसे रशिया बोल सकते हैं। जो अन्य प्रावधान जैसे कि फ्रांस है यहाँ से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का जो भाग है उसे हमने यहाँ से लिया था। अब प्रस्तावना में यह पढ़ भी सकते हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अभी आपने देखा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड से लिया था, लेकिन यहाँ पर निर्वाचन की बात की जा रही है ना, तो निर्वाचन के जो प्रावधान है वो हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका से। जबकि जापान के द्वारा हमने लिया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तीसरा प्रावधान जो है ये जो तीसरी विशेषता है संविधान की वह है कठोरता एवं लचीला का समन्वय। कठोरता और लचीला, देखिए कठोर और लचीला दोनों का समन्वय इसलिए होना आवश्यक है, अगर कठोर होगा पूरी तरह से संविधान तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि USA का जो संविधान उसमें बदलाव करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए उसे कठोर संविधान बोला जाता है। जबकि जो लचीला संविधान है या आप ब्रिटेन के संविधान को बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकांश प्रावधान है वह मौखिक तौर पर हैं, तो यहाँ पर जो है बदल जाते हैं कई सारे प्रावधान वार्षिक तौर पर। तो ये जो है हम दोनों, ये जो हमारे संविधान में है इसमें दोनों को शामिल किया गया है ताकि कठोरता भी हो और लचीला भी हो। इसलिए हमारा जो संविधान है अनुच्छेद 368 में दो तरह से संविधान संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। एक जो है विशेष बहुमत से यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि अगर संविधान संशोधन करना है तो अगर लोकसभा में और राज्यसभा में क्योंकि दोनों तरह से पारित होना चाहिए, तो यहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले, क्योंकि उपस्थित होने के बाद भी कई लोग मतदान नहीं करते और बायकॉट कर लेते हैं, तो नहीं यहाँ पर जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होता है तभी जा करके कोई संविधान संशोधित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। आपने देखा होगा GST के समय क्या हुआ था कि जो संविधान संशोधन किया गया था उस समय विशेष बहुमत का तो प्रयोग किया गया यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन इसे आधे राज्यों से भी अनुमोदन किया गया तब जाकर यह जो है प्रावधान संविधान से लागू किया गया। तीसरा जो है साधारण बहुमत, इसे अनुच्छेद 368 का भाग नहीं माना था, इसे छोटे जो कानून होते हैं उसे बदलने का प्रयास किया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। ये जो संविधान संशोधन है इसे हम एक चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको विशेषता है तो उसमें भी देखना आवश्यक था। चौथा जो विशेषता है हमारे संविधान के एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि एक प्रकार से ये जो संघीय व्यवस्था है वह एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ है, यानी कि इसमें एकात्मकता के भी कुछ लक्षण हैं और संघीय लक्षण भी है। अभी ये जो 66वीं BPSC के जो मुख्य परीक्षा है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या करें, यानी कि एक प्रकार से इसमें पूछा गया ये जो संघीय व्यवस्था है वह पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर मुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपको व्याख्या करना था। लेकिन आप अभी ये देखेंगे इस प्रकार से इसमें कई सारे पॉइंट को शामिल किया जा सकता है और ये प्रश्न आसानी से लिखा जा सकता है। इसमें जो है भारत का संविधान जो है वह क्या करता है, एक संघीय सरकार की स्थापना करता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा, इसलिए इसमें संघ के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि दो सरकार कहाँ पे, एक केंद्र में और दूसरा राज्य में, दो जगह सरकार होते हैं। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन भी किया गया, जैसे कि राज्य सूची समवर्ती सूची, आप देखते हैं कि राज्य सूची में जो शामिल है उस पर केंद्र कानून निभाती है और केंद्र के
जो सूची होते हैं उस पर राज्य कानून नहीं बनाती है, जबकि समवर्ती पर दोनों मिलकर बनाते हैं, है ना। तो एक प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया एक यहाँ पे, ये जो है सभी संघ के लक्षण है। ये जो तीसरा है इसमें संघ के लक्षण में संविधान का संशोधन, यानी कि जो संविधान है वही नहीं रहेगा बल्कि वक्त पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा। संविधान की कठोरता, कठोरता इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि बार बार संविधान को संशोधित करके ये जो केंद्र है शक्ति सारे अपने हाथ में ले ले और राज्य को कुछ ना मिले। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो हमारे न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रहे, ताकि अगर केंद्र या राज्य के द्वारा कोई अनाकनी की जाती है, ऐसे कानून बना देती है जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पर न्यायपालिका अपना कार्य कर सके। द्विसदनवाद, ये जो संघ का जो अंतिम लक्षण है वह द्विसदनवाद, यानी कि दो सदन होने चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे राज्यों में विधानसभा और विधानमंडल का प्रावधान होता है, उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा, ताकि अगर एक सदन जो है यहाँ पर मान लीजिए किसी एक पार्टी का बहुमत है तो यहाँ पर वो बिल पारित कर दे तो कानून बन जाए, ऐसा नहीं। ये दूसरा मान लीजिए जो राज्यसभा है वहाँ पर भी इसमें सुनवाई होती है, यहाँ पर चर्चा होती है और विभिन्न मुद्दों को देखा जाता है, तब जा करके किसी बिल को पारित किया जाता है या फिर उसे रोका भी जाता है। जैसे कि संविधान संशोधन जो किया जाता है इसमें दोनों सदनों का जो बहुमत होना आवश्यक होता है, तभी जाकर कोई संविधान संशोधन किया जाता है। इसलिए जो है इस संविधान की कठोरता और द्विसदनवाद का प्रावधान किया गया, यह क्या है एक प्रकार से संघ के लक्षण है, लेकिन इसमें कुछ एकात्मकता के भी लक्षण है। जैसे कि एक सशक्त केंद्र, आप देखते होंगे केंद्र में अगर कोई मजबूत सत्ता बैठ जाती है तो अपने अनुसार वह कार्य करने का प्रयास करती है। एक संविधान, अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पर दो संविधान है, यानी कि एक तो राज्यों के लिए है और दूसरा वो केंद्र सरकार के लिए है, यानी कि राज्य और केंद्र के अलग अलग संविधान होते हैं, जिससे वहाँ पर क्या होता है कि संघर्ष कम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से कि राज्यों में कौन से क्षेत्र हैं उसे, लेकिन यहाँ पर एक संविधान है, आपको एक ही संविधान के अनुसार चलना है, यानी कि कानून एक ही है सबके लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक कानून है। अगर राज्य यहाँ पर कोई कानून बनाता है वो यहाँ पर अगर इससे भिन्न होता है तो वह लागू नहीं होगा। तो यहाँ एकात्मकता के भी कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता, आप अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ भी दो नागरिकता, एक केंद्र का और एक राज्य का, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ भारत की मान्यता मिलती है, ना कि किसी अन्य राज्य की। संविधान का जो लचीलापन है, यानी कि जो साधारण संशोधन के द्वारा कुछ संविधान का संशोधन किया जाता है, तो यह एक प्रकार से एकात्मकता के लक्षण है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका हायरार्की के आधार पर आधारित, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय, तो एक प्रकार से एक क्रमबद्ध बनाया गया है, यानी कि एक ही न्यायपालिका होती है, एकीकृत है एक तरह से, और सबसे ऊपर कौन है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, उसी की बात सब जगह मानी जाती है। इसके अलावा जो है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में नियंत्रण के लिए किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं, इसके द्वारा भी जो केंद्र है नियंत्रण करने का प्रयास की जाती है, तो इसमें कौन कौन है, IAS, IPS और IFS, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये टोटल जो तीन है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके द्वारा ये जो केंद्र है राज्यों पर नियंत्रण करने का भी प्रयास की जाती है, और यह क्या है, एकात्मकता का लक्षण है। इसके अलावा जो एकात्मकता में है यह आपातकालीन प्रावधान, यानी कि जो इमरजेंसी लगाए जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 352, 356 और 360, इन सब के द्वारा जो प्रावधान किया जाता है, इसे हम बाद में भी देखेंगे, तो ये जो प्रावधान है एक प्रकार से एकात्मकता के ये लक्षण है। उल्लेखनीय है कि संविधान में कहीं भी आपको संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, हालांकि अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन इसके दो अर्थ निकलते हैं, संघीय का अलग अर्थ होता है और संघ का अर्थ अलग होता है। इसके जो दो अर्थ है, इनकी भारत का जो संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं, यानी कि आज़ादी के बाद जो हमने राज्य से समझौते किए थे वो कोई निष्कर्ष नहीं, बल्कि आपको शामिल होना था भारत के संघ में, यह बात की गई थी। आपसे यह नहीं बोला गया था कि आपसे हम बाद में क्या करेंगे, वो बार्गेनिंग करेंगे या फिर कोई अन्य मुद्दे पर बात करेंगे, ये ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है। दूसरा है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ राज्यों बनाए गए, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बांटा गया, दो स्टेट बनाया गया, उसी प्रकार से बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये राज्य से राज्य अलग हो सकते हैं या फिर अपने अनुसार प्रशासनिक से अनुसार वो क्या होता है, अलग किया जाता है, लेकिन कभी संघ से यानी कि भारत से अलग नहीं हो सकता। यानी कि अगर उत्तराखंड चाहे
बिहार से, वो बाहर से अलग नहीं हो सकता है, ये जो है वो आपको अंदर ही रहना है, यानी कि भारत के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भारत को जो बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि राज्य को तो विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन अमेरिका को जो है उसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर ना तो राज्य का विनाश किया जा सकता है और ना ही संघ का, लेकिन हमारा जो है भारत उसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। इसलिए ये जो है कुछ नाम दिए गए हमारे संविधान का, जैसे केसी वियर के द्वारा कहा गया था कि एकात्मकता की भावना में यह संघ है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मकता की भावना में संघ है, यानी कि अधिकांश इसके प्रावधान है वो एकात्मकता की ओर झुके हुए हैं। इसके अलावा मॉरिस जॉन्स के द्वारा कहा गया था कि एक प्रकार से ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यानी कि ये संघ के साथ एक प्रकार से बार्गेनिंग की गई है। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया कि यह कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म है, जबकि आइवर जेनिंग के द्वारा कहा गया कि फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये जो है कुछ याद रखिएगा। पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। देखिए जो सरकार होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है अध्यक्षीय व्यवस्था होती है और दूसरा है संसदीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था अमेरिका आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अध्यक्ष यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वही प्रमुख होता है। हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति हैं लेकिन वह नाम मात्र के प्रमुख हैं, यानी कि अधिकांश जो शक्तियाँ हैं वह केंद्र के जो सरकार हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर में, नेतृत्व जो है उनके अंदर में आता है, यानी संसदीय व्यवस्था। ये जो संसदीय व्यवस्था है या विधायिका अर्थात संसद और कार्यपालिका यानी कि जो सरकार है उसके मध्य समन्वय पर आधारित होता है, कौन? संसदीय व्यवस्था। जबकि जो अध्यक्षीय व्यवस्था है जो अमेरिका में है वहाँ पे जो है शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए 100% में से 50% काम कौन करेगा, वह राष्ट्रपति के अंडर में आता है और 50% जो है वह सीनेट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया नहीं बल्कि यहाँ पर समन्वय किया गया हमारे भारत में। इसलिए संसदीय प्रणाली को अन्य नाम से जाना जाता है, जिसकी इंग्लैंड में आप इसे वेस्टमिंस्टर कह सकते हैं। इसके अलावा भारत में उत्तरदायी और मंत्रिमंडल जो सरकार है उसके नाम से भी आप जान सकते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है, इनकी संसदीय जो सरकार होती है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कौन होते हैं? यहाँ प्रधानमंत्री, और नाम मात्र कौन होते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति। इनमें समन्वय किया गया। इसके अलावा बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, इनकी जिस दल को बहुमत मिल गया चाहे वह मिलाकर बनाया गया जोड़कर बनाया गया, लेकिन आपको बहुमत का जो आंकड़ा है उसे पार करें तो आप यहाँ पर सत्ता बना सकते हैं। इसके अलावा जो है विधायिका में जो है मंत्रियों की सदस्यता होती है, इनकी संसद या फिर विधानमंडल विधानसभा एक प्रकार से आप विधायिका बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? मंत्रियों की सदस्यता होती है, इसमें इसके जो मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। चौथा जो है प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का नेतृत्व, यानी कि केंद्र में जो होता है उसका नेतृत्व कौन करते हैं? वो प्रधानमंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो है निचले सदन का विघटन भी संसदीय रूप का एक भाग है, यानी कि लोकसभा और ये जो विधानसभा होते हैं दोनों निचले सदन हैं, जबकि राज्यसभा और विधानमंडल वो क्या? ऊपरी सदन है। तो लोकसभा और विधानसभा का प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटन होता है, या फिर अन्य कारण भी है जो कि विघटन का कारण बन सकते हैं। यद्यपि जो है भारत ने ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को अपनाया है किंतु इसमें कुछ प्रमुख अंतर भी हैं, यानी कि इसमें कुछ अंतर वे हैं कि भारत जो है ब्रिटेन की तरह पूरी तरह से संप्रभु नहीं है, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है पूरी तरह से वह संप्रभु है। वहाँ जो संसद कहती है वही होता है, वहाँ पर ये जो न्यायपालिका उससे काफ़ी अधिक शक्ति मिली हुई है, किसको? वहाँ के पार्लियामेंट को। जबकि यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर अभी आगे देखेंगे यहाँ पर संसद भवन और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच, यानी कि न्यायपालिका है उसके बीच समन्वय का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पर संसद ही संप्रभु है। यहाँ पर जो है भारत का प्रधान जो होता है वह निर्वाचित होता है, यानी कि आप यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति का प्रति 5 वर्ष पर निर्वाचन किया जाता है, जबकि जो ब्रिटेन में है वहाँ पर उत्तराधिकार की एक परंपरा चलती है, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया और जो एलिजाबेथ है उनके ही जो वंशज है आगे आप शासन कर रहे हैं राजा के तौर पर, यानी कि प्रधानमंत्री के अलावा जो सबसे ऊपरी स्तर पर कौन है वहाँ पर सत्ता है। छठी जो विशेषता है हमारे संविधान की संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता है उसमें समन्वय। ये जो संसदीय संप्रभुता है दरअसल यह जो शब्द है वो कहाँ से? अभी अपने देखा यह ब्रिटेन से उत्पन्न हुआ है ना,
कि वहाँ जो है ब्रिटेन में जो संसद ये जो है वो पूरी तरह से संप्रभु है, यानी कि जो कानून वो लागू कर दे वही वहाँ पर लागू होगा, वहाँ पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जबकि ये जो दूसरा शब्द है न्यायिक सर्वोच्चता, इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी कोई कानून लागू न कर दिया है जिससे जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है वहीं ख़त्म हो जाए, तो ये जो है ये प्रावधान न्यायिक सर्वोच्चता जो है इसे अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था और इस प्रावधान को भारत में शामिल भी किया गया। इसलिए ये जो संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों को इसमें लाया गया, एक प्रकार से ये बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया था हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा। इसलिए ये जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का जो समन्वय हमारे संविधान में देखने को मिलता है, यानी कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून लागू करती है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा क्या होता है कि उसे असंवैधानिक करार कर दिया जाता है। जैसे कि NJSC को जब 2015 में लाया गया था, NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, यानी कि जो कॉलेजियम की व्यवस्था थी उसे समाप्त करके NJAC को लाया गया था, एक प्रकार से यह न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसे संविधान जो संशोधन करके लाया गया था लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया था न्यायपालिका के द्वारा। तो एक प्रकार से बैलेंस बनाया जाता है, इसलिए हमारे जो संविधान है उसे संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका के जो संविधान है वहाँ पर विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, यानी कि ये जो विधि के जो नियत है उसे देखा जाता है, यानी कि कानून किस नियत से बनाया गया है कि इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ का पड़ेगा उसके आधार पर वहाँ के जो न्यायपालिका वह देखती है और उसके आधार पर कानून को लागू करती है। जबकि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि संसद जो है कानून जो बनाएगी वह यहाँ पर लागू होगा, लेकिन अगर मान लीजिए संसद ये संप्रभुता है यानी कि संसद जो कानून बनाएगी पूरे देश में लागू होगी ही होगी, है ना, लेकिन अगर यह किसी के मौलिक अधिकार का या फिर संविधान का उल्लंघन करती है, यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करता हो और संविधान का भी उल्लंघन न करता तब तक तो लागू होगा, लेकिन जैसे ही उल्लंघन करती है उसके बाद यहाँ पर जो है न्यायपालिका आती है और उसके बाद उसका यहाँ से रोल शुरू होता है और वो क्या करती है वह समीक्षा करके, आपने देखा हो कई बार संवैधानिक पीठ का भी गठन किया जाता है और उसके आधार पर समीक्षा करके कई कानूनों को रद्द किया जा चुका है। आगे हम देखें किस किस कानून को रद्द किया गया था। यहाँ पर अन्य जो विशेषताएँ हैं उसे भी देख लेते हैं। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी देखना अभी आपने देखा कि जो एकीकृत न्यायपालिका वो कौन सा लक्षण है, ए एकात्मकता के लक्षण है, लेकिन यहाँ पर हमारे संविधान है इसमें दोनों प्रावधान, एकीकृत भी है हमारी न्यायपालिका और स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है बल्कि यह पूरी तरह उससे स्वतंत्र है। दूसरा है मौलिक अधिकार, इसे भी हम आगे देखेंगे इन टॉपिक को इसमें पूरी तरह से क्योंकि इसे डिटेल से पढ़ना है ना, तो यहाँ पे ये जो संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें इसे शामिल किया गया कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है उसे देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये जो वयस्क मताधिकार है इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके कितना किया गया, वर्तमान में 18 वर्ष किया गया, याद रखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इसके अलावा एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय का भी गठन किया गया है जैसे कि चुनाव आयोग, CAG, लोक सेवा आयोग जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग आते हैं। इसके अलावा जो है आपातकालीन प्रावधान भी हमारे संविधान में किया गया है। तीन स्तरीय संरचना, यानी कि जो सरकार का सत्ता होती है शासन होती है वो तीन स्तर पर, एक केंद्र, राज्य और गाँव में क्या होती है पंचायती आधार पर। अंत में सहकारी समितियाँ, इससे भी संविधान में जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, इसमें कुछ आलोचनाएं भी आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मेंस में लिखने आंसर राइटिंग तो उसमें कुछ आलोचनाएं भी दी जा सकती है। जैसे बोला जाता है कि हमारा जो संविधान है वह उधार का संविधान है ना, तो ये कई आलोचकों द्वारा कहा गया कि हमारा संविधान वह क्या एक प्रकार से उधार है, हमने कई देशों से इसे प्राप्त किया, लेकिन आपने देखा था अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि हमारा संविधान है विभिन्न देशों के द्वारा अच्छे जो शब्द हैं उसे छान करके इसमें लाया गया, यानी कि एक प्रकार से अम्बेडकर के द्वारा इन पे भी सवाल उठा था कि आप इस प्रकार संविधान बना रहे हैं जो कई देशों में पहले से ही लागू हैं, तब अम्बेडकर साहब ने कहा कि ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे यहाँ पर लागू करने में दिक्कत होगी,
ये तो अच्छी बात है ना कि ये सब जो है जो संविधान, जैसे कनाडा में, अमेरिका में और अन्य देशों में जो संविधान जो बनाया गया था वो 100-150 वर्ष से ज़्यादा लागू हो चुके हैं, और इसके बाद जो वो कमियां हैं यानी वे जो संविधान वहाँ पर लागू हुए हैं उसमें जो कमियां हैं उसे हम सुधार करके यहाँ पर लागू करने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बोला गया कि आप 1935 के अधिनियम का ही कार्बन कॉपी करते हैं। इसमें भी बोला गया कि 1935 का जो प्रावधान है वह एक प्रकार से ये जो हमारे वर्तमान जो शासन मिलने वाली है, सत्ता मिलने वाली है, उसमें यह काफ़ी कार्य करेगी। तीसरा जो आलोचना की गई कि गैर भारतीयता, इनमें जो प्रावधान किया गया कि जो गैर भारतीय इसलिए थे क्योंकि इसमें जो प्रावधान है वह क्या विभिन्न देशों से लिया गया है। आगे बोला गया कि गांधीवाद से दूर, यानी कि गांधी जी ने जो सपने देखा था उनसे यह जो संविधान है काफ़ी दूर है, उसमें कहीं भी गांधीवाद की चर्चा नहीं की गई है। हालांकि आप देखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो पंचायती राज है उसमें आप यहाँ पे गांधीवाद के जो है दर्शन उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा महाकाय आकार, आपने पहला ही देखा था कि हमारा जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। इसके अलावा भी आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो आम जनता के लिए समझ से ऊपर है, तो वो बार बार क्या जाएंगे मुकदमों का सहारा लेने के लिए, यहाँ पर वकीलों का सहारा लेंगे जब भी इन पर कोई मुकदमा होगा। तो इसलिए एक प्रकार से वकीलों के लिए स्वर्ग है क्योंकि इनकी तो कभी कमियाँ होंगी नहीं, है ना, उनके लिए तो हमेशा यहाँ पर कार्य बना रहेगा। तो ये आलोचना आप देख सकते हैं कुछ। तो इस वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।